की पार्टी मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई है, और जैसे कि दुनिया में हर एक इंसान ये बात जानता है कि कोई भी सेलिब्रेशन हो डांस के बिना अधूरा। तो माहौल को और रंगीन करने के लिए मेरे डैड और मॉम स्टेज पर आ रहे हैं। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मॉम एंड डैड। राखी पुत्र बन जा छम्बक छल्लो और दिखा दे अपने जल्दी। चल मम्मी जी लैंग्वेज प्लीज। क्या खराबी है राखी जी, क्या कह रही है? आपने भी तो बोले थे वो फिल्मी शब्द। क्या वो? अब मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। टाका भिड़ा सरला जी। अच्छा ऐसा कहा था इसने? आपका पुत्र महेश है ना, मेरी बेटी को बिगाड़ रहा। चलिए ना राखी जी जाइए, हमें भी देखना है आपका डांस। मना लोगे मतलब? 25 साल का तजुर्बा है तो भी देख कैसे मनाता हूँ। सैम इशारा करूँ तो तैयार रहना। ओके गो। थोड़ा रोमांटिक हो जा। फुल रोमांटिक? यस। हिलो। ओह कम ऑन डैड, ये हाथ मत देने से कुछ नहीं होगा। है मेरी जाने मन जाने बहार, कब तक कराओगे इंतजार? पता नहीं, बस तुम हाथ तो कर दो एक बार, फिर देखना मेरी गुले गुलजार। क्या ऐसा रंग लाएगा मेरा प्यार? चल झूठा। सैम गो फॉर इट, गो फॉर इट। नाइस। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। शाहजहान मैं तेरा, तेनु मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोना देवे नी, रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। हां कर दे तू मैनू, मैं दुनिया नू हिला दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल अपने घर के बाहर ही बैठी हूँ। जी सर, मैंने आपको एड्रेस लिखवाया था, पुराना हाउस। कोई नहीं निकला अभी तक घर से बाहर। क्या मुसीबत है यार, ये यहाँ पे कैसे आ गई? सर अब क्या करेंगे हम? ये पकड़ो। नहीं। अरे पकड़ो। सर ये तो अपना सीक्रेट है, अब दी को क्यों दे रहे? फॉलो मी। ये प्लांट, ये यहां पे कैसे आया? थैंक गॉड बच गए। लेकिन वो पृथ्वी नहीं बचेगा। सर लेकिन क्या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मजा आ गया। हम तो एक्चुअली शर्लिन के सीक्रेट का पिटारा ही उठा ले आए। क्या जवाब नहीं सर आपका, आई मीन क्या फाड़ू प्लान बनाया था आपने। तू बहुत खुश हो रही, लेकिन जैसे खुश होना चाहिए वो तो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। जैसे सिर पर आकर पहाड़ गिर गया इसके। हाँ? I mean, यार इसको इतना दुख है एक छोटी सी शर्त आने का। अरे जिंदगी बच गई तुम्हारी, वरना जिंदगी भर आंसू बहाती रहती उस पृथ्वी के चक्कर में। हाँ, गलत इंसान से शादी कर लेती। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। यही तो खासियत है तुम्हारी प्रीता अरोड़ा,
तुम्हें समझ में नहीं आता है। गलत इंसान को सही समझती हो, शैतान को भगवान समझती हो। आई मीन इतने अच्छे लोग हैं तुम्हारे आसपास, उन्हें अच्छा नहीं समझती, जो बुरा इंसान है उसे अच्छा समझती। वाह! मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर वाकई ये सब सच निकला तो मेरी कितनी बदकिस्मती होगी, और मेरी बदकिस्मती का सबसे ज्यादा असर माँ पर पड़ेगा। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, माँ ने इस शादी से बहुत उम्मीदें लगाई थी, कितने सपने देखे थे, लेकिन मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ सर, दुनिया में हर इंसान ना अपनी लाइफ अपनी मर्जी से अपने अपने मुताबिक जीना चाहता है। कोई एजुकेशन के पीछे पड़ता है तो कोई करियर के, किसी को बहुत सारे पैसे कमाने हैं और कोई स्पेस में उड़ना चाहता है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में ना सर, एक लड़की की शादी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, और अगर शादी फिक्स होने के बाद टूट जाए फिर तो मैं आपको क्या बताऊं सर, मतलब सर, अरे कोई मेरी बात तो सुनो सर, कहाँ जा रहे हो? अरे सर बाहर, बाहर आओ। मुझे एक बात बताओ, तुम इसी बात से परेशान हो कि तुम्हारी शादी किससे होगी? हाँ पिता, ये सब इतने मायने नहीं रखता। प्रीता, I'm really sorry. See, I didn't want to shout at you. लेकिन तुम मामूली लड़की नहीं हो, बहुत खास हो तुम, बहुत किस्मत वाला होगा जैसे तुम्हारी शादी होगी। बहुत किस्मत वाले होंगे वो घर वाले जिनके यहां तुम बहू बन के जाओगी। प्रीता, तुम जिस घर में भी जाओगी ना, खुशियां बिखेर दोगी, तुम्हारी मुस्कुराहट से घर का चप्पा चप्पा खिल उठेगा। प्रीता, तुम वो लड़की हो जो हर लम्हा खूबसूरत बना सकती है। और अगर तुम्हारी शादी टूट भी गई ना प्रीता अरोड़ा, तो तुम देखना हजारों लड़के लाइन में लग जाएंगे तुम्हारे पीछे तुमसे शादी करने के लिए। और तुम मैं सब फिक्र में डूबी जा रही हो। आई मीन ये रोना बंद करो, ओके? एक भी आंसू बाहर आया ना तो करण लूथर को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठू, समझी तुम? तुम मामूली नहीं हो प्रीता, बहुत खास हो, यू आर स्पेशल। अगर तुम्हारी शादी टूटी भी ना तो एक से एक लड़के की लाइन लग जाएगी वरमाला लेकर, वो क्या कहते हैं, वो स्वयंवर होगा तुम्हारा, टॉप क्लास लड़के, और सब तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होंगे कि प्लीज सेलेक्ट मी प्रीता, सेलेक्ट मी। और उसमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। मेरा शादी करने का इरादा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, वरना पृथ्वी का पत्ता तो मैं कब का साफ कर चुका होता प्रीता से शादी करके। क्या? क्यों? मेरी मर्जी काउंट नहीं करती है क्या? मैं किसी से ऐसी थोड़ी शादी कर लूंगी। मर्जी प्रिंसेस, वो क्या है ना, एक्चुअली पृथ्वी के खिलाफ सबूत मिल गया, वरना तो मैं तुम्हें उठा के ले जाता, और उठाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्या? करीना सर इधर तो आ। जी चाची जी। बस एक ही डांस होगा यहाँ पे? अरे हमारे यहाँ तो एक के बाद एक डांस होते हैं हर खुशी के मौके पर। यहाँ भी होंगे चाची जी? सच्ची? अब डांस करेगा
मेरा पुत्र ऋषभ. एक्सक्यूज मी ऋषभ. शर्लिन कम ऑन चलो. यू ऑल बोथ हैव टू डांस. कम विद मी. चलो. जस्ट आई जस्ट फिनिश्ड द. नहीं ऋषभ कुछ नहीं कहोगे तुम. लेट्स गो ऋषभ प्लीज. अभी अभी आपके सामने मेरे भाई और भाभी ने इतना रोमांटिक परफॉर्मेंस दिया. अब आपके सामने परफॉर्म करेंगे मेरे होने वाली बहू शर्लिन और मेरा बेटा ऋषभ. कम ऑन गाइस गिव देम अ बिग हैंड. आई एम रियली सॉरी गाइस. इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉल एंड आई हैव टू टेक इट. प्लीज एक्सक्यूज मी. अरे सुन तेरा नाम क्या है. तू जाना वहां डांस करने के लिए. चाची जी मुझे डांस नहीं आता. अरे करना क्या है थोड़ा सा हिलना ही तो है. जाना जा बेटा जा. ओके दादी जी. सुनिए जी एक बात पूछनी थी. पूछिए. ये शर्लिन और इस लड़के के बीच में कोई चक्कर था पहले. आपको ऐसा क्यों लग रहा है. ले आप खुद ही देख लीजिए. दोनों ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे दोनों का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है. नहीं बहन जी आपको गलतफहमी हो रही है. आजकल की जनरेशन ना बहुत स्मार्ट एक्टिंग करते हैं. गाना सुनते ही ऐसे मूड में आ जाते हैं जिससे ऐसा लगे कि पता नहीं कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं. कुछ इस तरह कुछ इस तरह कुछ इस तरह रात गुजर कुछ इस तरह. वो लड़की है ना. कितनी सोनी कुड़ी है. ये तो लूथरा परिवार की बहू बनने लायक है. जी ये नहीं हो सकता. प्रीता के रिश्ता तय हो चुका है. जो लड़का पृथ्वी अभी नाच रहा था ना शर्लिन के साथ उसी के साथ उसकी शादी पक्की हुई है. आय हाय क्या गड़बड़ है. ये जोड़ियां कैसे उलट पुलट हो गई. अरे ऋषभ भैया आप कहाँ चले गए थे. आपको होना चाहिए डांस फ्लोर पे. समीर तुमने इन तीनों को जाते हुए देखा था क्या. नहीं ऋषभ भैया मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ गए थे. बस मुझे इतना पता है कि कोई बहुत बड़ी बात थी जैसे उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था. तेरे को कैसे पता. वो मेरी थोड़ी देर पहले सृष्टि से बात हुई थी तब उसने मुझे बताया. जानते थे कि मैं यहां आऊंगी. जानते थे. कम ऑन बेबी मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जान सकता है.
तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, यूं समझ लो तुम्हारी स्लैम बुक की तरह। स्लैम बुक हम लोग पार्टी के बाद खोलेंगे। वैसे मन तो कर रहा है स्लैम बुक को खोल के अभी देख लूं, सब कुछ पढ़ लूं, लेकिन नहीं, काफी देर से हम लोग पार्टी में नहीं थे, सबको शक हो जाएगा कि हम लोग कहां गए थे। एक काम करता हूं, इसे संभाल के रख देता हूं। कभी नहीं, किसी को भी हम पर कभी शक नहीं होगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि माय लव, तुम इतने जीनियस हो कि ये लोग कितना भी बड़ा जाल बिछाए तुम्हारे लिए, तुम जानते हो कि उसमें से कैसे बाहर निकल। इट्स ऑल अबाउट द आईक्यू लेवल बेबी। उनका आईक्यू लेवल मेरे आईक्यू लेवल से मैच कर ही नहीं सकता, नेवर। यू क्यों बेवकूफ बना सकता हूं मैं उनको इतनी आसानी से? हमको बेवकूफ बनाना इतना आसान भी नहीं है। उनको आइडिया भी नहीं होगा कि उनको कितना बड़ा और जोरदार छटका लगने वाला है। उनको ये आइडिया आएगा भी कैसे? दिल के बहुत अच्छे है ना, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं। ना ही तो उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता है, ना ही हमारे मकसद के बारे में। ये तो सिर्फ हम जानते हैं कि हम उनकी जिंदगी में किस इरादे से आए। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि उन दोनों के इरादे क्या है, चाहते क्या वो हम सबसे, और उनकी हमारी जिंदगी में दखल देने की वजह क्या है। मतलब कि अगर वाकई पृथ्वी जी और शर्लिन के बीच में कुछ है, तो शर्लिन ने ऋषभ जी से और पृथ्वी जी ने मुझसे सगाई क्यों की? वाओ प्रीता, आई मीन तुमने पहली बार माना कि वो दोनों हमसे अपना रिश्ता छुपा रहे। कौन किससे क्या छुपा रहा है? छुपाया भी तो इतनी चालाकी से कि किसी को पता ही ना चले, है ना? महेश अंकल, अंकल कुछ चाहिए क्या? हाँ वो ठंडी बियर। अच्छा, मैं वो एक ग्लास रख रही थी, बाहर दूर जाते ना, वो पृथ्वी जी यहाँ पे पानी पीने आए थे। हाँ वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं कुछ ठंडा ढूंढने आया था, और आया तो देखा कि शर्लिन जी भी कुछ ढूंढ रही है। मैं आती हूँ। तुम लोगे? जी, थैंक यू। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कौन क्या छुपा रहा है? अब कुछ भी नहीं। यू शॉक? या शॉक? अच्छा, कहाँ थे आप लोग तीनों? वो अकेला नहीं बताएगा, ये सब तीनों साथ में बताएंगे। कम ऑन सिस्टर, पीता जी स्टोर में। हाँ, मार्केट। इट्स टेरेस स्टोर। मार्केट। मुझे मालूम था कि तुम जहां कहीं भी हो तीनों साथ में, अब कहां पर था ये भी बता दो। मैं वो पीता जी, जी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप तीनों कहां पर थे? हम चलिए ऋषभ जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं चुप रहूंगी, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आई प्रॉमिस सही वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ सच सच जरूर बता दूंगी। एक्चुअली हम उसके घर गए थे। जी, तुम कुछ मत बोलो। पिताजी ने कहा है जो सही वक्त पर आके वो खुद मुझे बताएंगे, और मैं इंतजार करूंगा। ओके, चले पार्टी। क्या हो गया? मुझे यहाँ पे क्यों रोक लिया तुमने? अरे घर में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी ने तुम्हें और मुझे दोनों को एक साथ देख लिया तो बैंड बच जाएगी, पता है ना? मेरा बहुत जी घबरा रहा है। I don't know,
कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे साफ साफ बताओ क्या तकलीफ है, कौन सी प्रॉब्लम है? मुझे चक्कर आ रहा है। तो क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर सबकी नजरों के सामने हॉस्पिटल ले जाऊं? पागल हो गए हो क्या? पागल तुम हो गए हो। मैंने कब कहा कि गोद में उठा के मुझे लेके जाओ यहाँ से? हाँ बस प्रीता के कहने से वो दादी को तो तुम बड़ी जल्दी हॉस्पिटल ले गए थे। हाँ मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बता रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ना तो मुझे दिलासा दे रहे हो और ना ही मुझे भरोसा दिला रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कहीं तुम प्रीता से प्यार तो नहीं करने लग गए? जब देखो तब उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी के बारे में बात करते रहते हो। व्हाट? तुम्हें ना बस एक चीज आती है, पता है क्या? शक करना। हमेशा बस शक करती रहती हो। डैम इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रीता मेरी मंगेतर है, मुझे उसके सामने अच्छाई की एक्टिंग करनी पड़ती है। तुम्हारी एक्टिंग थी फाड़ में, समझे तुम? और जो मंगेता का ड्रामा है ना, मेरे सामने मत करना। मैं तुम्हें शक नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना टेढ़ा चलता है, कहाँ तुम यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरते हो, समझे तुम? जब देखो तब किसी ना किसी के पीछे घूमते रहते हो, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। तुम जब देखो तब प्रीता और उसकी फैमिली के बारे में सोचते रहते हो। अरे मेरे बारे में कौन सोचेगा, मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, जब देखो तब प्रीता 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 उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी के बारे में बात करते रहते हो।